नमस्कार, वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तु उपचार करते समय क्या तोड़फोड़ करना आवश्यक होता है। आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब भी हम किसी भी वास्तु सलाहकार को अपने घर, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में बुलाते हैं तो अक्सर वो तोड़ फोड़ की बातें करते हैं। इसलिए कुछ लोग इस डर की वजह से वास्तु सलाहकार को अपने संस्थान में बुलाने से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा वास्तु पुरुष जो है वो किसी भी भूखंड में उल्टा सोया हुआ है और उसका सिर ईशान कोण पे है, एक हाथ एक कोहनी उसका अग्नि कोण पे है, दूसरी उसकी जो कोहनी है वो दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण पे है और पैर का दोनों हिस्सा नैऋत्र कोण पे है। तो अगर वास्तु शास्त्र को हम ठीक ढंग से समझें तो हमको समझ में आएगा कि पूरी शरीर की रचना के रूप में वह आता है, शरीर के सारे उसके अंग हैं। तो जब हम शरीर का इलाज करते हैं, अगर मेरा बायां पैर टूट गया तो मुझे बाएं पैर में ही प्लास्टर बांधनी होगी, दाएं पैर में प्लास्टर बांधने से बाएं पैर का इलाज संभव नहीं है। तो बीमारी का अगर हम विश्लेषण करें तो वो दो प्रकार का होता है। एक है जो माइनर बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम, छोटे जो बीमारी होती है वो बीमारी हम अपने घर में रखे हुए दवाइयों के सेवन से भी ठीक हो जाते हैं। कई कई बीमारी ऐसी होती है जो सीजनल होती है, अपने आप बगैर दवाई लिए भी 3 दिन में वो ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियों के लिए हमको मेडिकल स्टोर जाना होता है, बगैर डॉक्टर को दिखाए भी हम उस मेडिकल स्टोर वाले की सलाह से दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ बीमारी में हमको डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर हमको 3 दिन 7 दिन की दवाई देता है, उस दवाई को हम खा के अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें हमको हॉस्पिटल पे एडमिट होना पड़ता है। उस दिन हम जब वहाँ एडमिट रहते हैं तो वहाँ हमारा सघन इलाज होता है और हम स्वस्थ होके वापस लौट के आते हैं। कुछ कुछ बीमारी में शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी अंगों को काटना पड़ता है, जैसे ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, गैंग्रीन हो गया। अब अगर मेरे अंगूठे में गैंग्रीन हो गया और डॉक्टर का कहना है कि अब पैर का निचला हिस्सा को काटना होगा तो मैं फिर क्या करता हूँ, डॉक्टर की बात को मान के उसकी सलाह पर मैं अपने पैर के उस अंग का दान मुझे करना होता है। अगर मैं उस दौरान सहमत नहीं होऊंगा तो क्या होगा, पैर वो जो बीमारी अंगूठे के आसपास है वो पूरे पैर में फैल के पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। तो यहाँ बात आती है समर्पण की। हम जब बीमारी का इलाज करना चाहें तो डॉक्टर के कंडीशन के आधार पे इलाज करें, अपने कंडीशन के आधार पे नहीं, जैसा डॉक्टर को उचित लगता है उसके अनुसार, उसके कहे अनुसार जब हम उसको समर्पण कर देते हैं तो हमारा उपचार सही ढंग से होता है। ठीक इसी तरह वास्तु शास्त्र में भी हम अलग अलग दिशाओं का अलग अलग उपचार करते हैं। कभी कभी किसी कमरे को व्यवस्थित करने से भी वास्तु दोष का निराकरण हो जाता है। अब यदि किसी के अंदर गुस्सा होने की संभावना ज़्यादा है तो देखें कि कहीं आप घर के अग्नि कोण पे सो तो नहीं रहे हैं। जैसे ही आप अग्नि कोण पे सोएंगे इसका मतलब वहाँ पे अग्नि देव का प्रकोप ज़्यादा होगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर या अग्नि तत्व आपके अंदर ज़्यादा होगा। तो उसको संतुलन कैसे करें,
तो उससे दूसरा कोना ले लें, उत्तर और पूर्व का कोना, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, जहां जाते ही हमारा मन शांत हो जाता है। शांत होने का अर्थ क्या है? जब हम रात को सोएं तो हमारा मन अत्यंत ही शांत हो जाए। तो यह एक उपचार उसका हुआ, लेकिन किसी किसी केस में दोष मेजर हो जाता है, बड़े दोष का उपचार करना पड़ता है। जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को गैंग्रीन हो गया। तो अगर कोई दोष मेजर है तो उस दिशा में कि पूरे शरीर में वो दोष ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए हम फिर उसमें कुछ तोड़ फोड़ करके उसका इलाज करते हैं। अब इलाज की भी कई सारी पद्धतियां हैं, आयुर्वेद से भी इलाज संभव है। कुछ कुछ बीमारी का उपचार होम्योपैथी से होता है, कुछ कुछ बीमारियों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से भी संभव है, कुछ कुछ बीमारी योग से भी संभव हो पाता है, लेकिन एलोपैथी का अपना एक स्थान है जहाँ सैकड़ों डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च होता है। आज देखिए, कोरोना की महामारी का उपचार अन्य पद्धतियों के पास नहीं है, केवल एलोपैथी उसका उपचार कर रहा है। तो आपको डरने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, आप सही वास्तु सलाहकार का सहन चयन करें और उसके ज्ञान के आधार पे आप तत्वों को संतुलित करने का प्रयास करें। ये जो पांच तत्व हैं आठों दिशाओं में, ये तत्व अलग अलग दिशाओं में उपस्थित हैं। इन तत्वों को जब भी अधिकता होगी या इन तत्वों में जब भी कमी होगी तो हम बीमार हो जाते हैं या हमारे घर में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे हम बीमारी में डॉक्टर के पास जाके अपने शरीर का संतुलन स्थापित करते हैं, हमारे अंदर जो पांच तत्वों में असंतुलन हो जाता है उसका जब हम संतुलन करते हैं, ठीक इसी तरह पांच तत्वों के माध्यम से हम वास्तु शास्त्र में संतुलन स्थापित करते हैं। और ये संतुलन स्थापित करने के कई तरीके हैं, पिरामिड के माध्यम से संतुलन स्थापित होता है, यंत्रों का विधान है, भारतीय जो अलग अलग यंत्र हैं उनका विधान है, अलग अलग कोण के अलग अलग यंत्र माने जाते हैं, उन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करके जब हम उस स्थान पर स्थापित करते हैं, उस दोष को निराकरण करते हैं, तो हम उस दोष से दूर हो जाते हैं, वह एक उपचार के रूप में काम करता है। तो कई बार यह होता है कि कुछ नीम हकीम भी हमारे वास्तु शास्त्र के प्रोफेशन पे हैं, जो हर प्रकार की बीमारी का निराकरण एक ही दवाई से करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग केवल तुलसी का पौधा रखवा देते हैं, हर जगह तुलसी का पौधा आपके उपचार में सहायक नहीं हो सकता। मैंने आज तक के ऐसा कोई दवाई नहीं देखा जिसको हम बोलते हैं रामबाण औषधि, ऐसी कोई भी रामबाण औषधि नहीं है जो सारी बीमारी को एक ही दवाई से ठीक कर दे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जब भी वास्तु सलाहकार के पास जाएं तो उसके ज्ञान के आधार पे अलग अलग दोषों के निराकरण के लिए उनसे निवेदन करें। और ये पिछले 21 साल से मैं वास्तु शास्त्र के इन उपचारों पे लगा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि वास्तु शास्त्र के दोषों का उपचार बगैर तोड़ फोड़ किए भी उपचार संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।